हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वीर मैथ क्लासेस पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, डायरेक्शन, दिशा। ठीक है, इसको समझते हैं तथा इस जो हमारा चैप्टर है इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट हमको समझना है तथा कौन सी चीज याद रखने की हमको जरूरत है। ठीक है, वो चीज समझते हैं। ठीक है, समझो। देखो, सबसे पहले आपको समझना है ये दिशा है, तो हमको सबसे पहले समझना है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जब हम कॉपी पर सवाल निकालते हैं, हमको कौन सी तरफ ईस्ट, कौन सी तरफ वेस्ट, कौन सी तरफ नॉर्थ और कौन सी तरफ हमको साउथ माननी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले देखो, जब हम हाथ में कॉपी लेके बैठते हैं तो देखो हमारा कॉपी इस तरीके से हमारे हाथ में होता है, ऐसा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमको इस कॉपी पे किधर ईस्ट मानना है, किधर वेस्ट, किधर नॉर्थ साउथ, ठीक है, वो चीज हमको सबसे पहले समझनी है। अब देखो मैं ऐसे करके खड़ा हो गया तो ये कॉपी हमारी इधर होगी। ठीक है, इस पे हमें मारना है, इसके यहाँ पे ये ब्लैक बोर्ड इसी तरीके से रखा है, तो मैं जैसे ब्लैक बोर्ड बताऊंगा आपको उसी तरह से नोटबुक में रखना है। ठीक है, अब देखो मैं ऐसे करके खड़े हो गए तो जिधर हमारा राइट हैंड होता है, जिधर की तरफ हमारा राइट हैंड होता है जब हम नोटबुक लेके खड़े होते हैं, तो जिधर हमारा राइट हैंड होगा उधर तो मानेंगे हम ईस्ट। ठीक है, अपने राइट हैंड की तरफ मानेंगे ईस्ट और अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मानेंगे वेस्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट, और जो हमारा सिर रहता है सिर की तरफ मानते हैं हम नॉर्थ, और जो हमारे पैर होते हैं उधर मानते हैं हम साउथ। ठीक है, इस तरीके से हम मानते हैं। ईस्ट को क्या बोलते हैं, पूर्व, और वेस्ट हो गया हमारा पश्चिम, और ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण। ठीक है, इस तरीके से हमको ये दिशा माननी है अपनी नोटबुक जो होती है उस पर। अपना राइट हैंड की तरफ हमको ईस्ट मानना है, लेफ्ट हैंड की तरफ हमको वेस्ट मानना है, अपने शरीर की ऊपर की तरफ नॉर्थ मानना है और नीचे की तरफ हमको साउथ मानना है। इस तरीके से हम मानते हैं। इनको कैसे शो करते हैं हम, इस तरीके से। ठीक है, इनको शो कैसे करेंगे हम, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर हो गया ये नॉर्थ, ये हो गया हमारा वेस्ट, ये हो गया हमारा साउथ, और ये हो गया हमारा ईस्ट। ठीक है, अब वो आपको एक और चीज बता दूं, ये जो दिशाएं होती हैं जब हम नोटबुक निकालते हैं तो ये जो डायरेक्शन होती है ना, तो इनके बीच में ये जो कोण रहता है ये कितने अंश का रहता है, हमेशा ये 90 अंश का। ठीक है, ये जो कोण रहता है इनके बीच में आपस में, ये हमेशा कितने का रहेगा, ये हमेशा 90 अंश का रहेगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। हमारी चार दिशाएं होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, और ये चारों दिशाओं के जो बीच का कोण रहता है वो कितने का रहता है, 90 अंश का रहता है। और इन चारों दिशाओं के बीच में एक एक दिशा और होती है, कैसे, देखो ये आगे देखो, यहां से एक दिशा तो हमारी ये एक, ये इसको ऐसे रहने दो, नॉर्मल ऐसे छोड़ देता हूँ, और एक दिशा हो जाएंगी हमारी इस तरीके से। ठीक है, अब एक देखो, ये चार दिशा हमारी पहले से थी, चार दिशा हमारी और हो गई, अब टोटल दिशा हमारी कितनी हो गई, आठ। टोटल दिशा हमारी कितनी है, आठ। ठीक है, और ये जो चार दिशा इनका नाम क्या रहेगा, देखो ये उत्तर है और ये पूर्व है, ये उत्तर है ये पूर्व, तो इनके बीच की जो दिशा रहेगी वो कौन सी रहेगी, उत्तर पूर्व। ठीक है, ये दिशा कौन सी रहेगी, उत्तर पूर्व, इसको क्या बोलते हैं, एन ई। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से ईस्ट और साउथ के बीच में जो दिशा रहेगी इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एस ए। ठीक है, ये और अब आगे ये एस डब्लू, एस W, तो इनके जो बीच की दिशा रहेगी इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो इसको क्या बोलते हैं, S W। और ये जो N और W के बीच की दिशा रहेगी ये क्या हो जाएगी, N W, क्या हो जाएगी, N W, तो इसको क्या बोलते हैं, उत्तर पश्चिम, क्या बोलेंगे इसको, उत्तर पश्चिम। अब देखो हमारी टोटल दिशा कितनी हो गई,
आठ दिशा हो गई, चार दिशा हमारी ये थी, चार दिशा हमारी ये रेड वाली और हो गई, तो टोटल दिशा हो गई आठ। अब देखो हमारी ये जो ब्लू ब्लू वाली लाइन थी इनके बीच कितने का कोण था, 90 अंश का। लेकिन अब ये जो आठ जो हो जाएंगी इनके प्रत्येक के बीच कितने अंश का कोण हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 अंश का, ये कोण 45 अंश। इसी तरीके से जो सारे कोण रहेंगे ये कितने के रहेंगे, 45 के रहेंगे, ठीक है। ये जो हमारे सारे कोण हो जाएंगे ये कितने के हो जाएंगे हमारे, 45 के। ठीक है, और इन सभी कोणों का योग कितना होता है हमारा, 360 अंश। ये जो 90 90 थे, चार थे, तो ये हो गए 360। 45 45 आठ हो जाएंगे, तो इनका जब आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 360 अंश। देखो ये चीज आपकी समझ में आ गई होगी, ये जो दिशाएं मैंने आपको बताएंगे ये आपकी समझ में आ गई होगी। अब आपको इसमें एक और चीज समझनी है, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। क्या रहता है देखो, इसको हम साफ कर देते हैं, ठीक है। देखो आपको इसमें दो चीज समझनी है, एक तो क्लॉकवाइज रहता है ना, क्लॉकवाइज, और एक रहेगा हमारा एंटी एंटी क्लॉकवाइज। अब ये जो क्लॉकवाइज होता है इसको क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। इस चीज में भी हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, दक्षिणावर्त और इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त। इसको क्या बोलते हैं, वामावर्त। अब ये इसको एक और समझने के बोलते हैं दाएं तरफ, और ये होता है बाएं तरफ, ठीक है। इसको कैसे समझते हैं, ठीक है, देखो हमारी ये चार दिशा दे दें, ये हमारी चार दिशा दे दें, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है, ये हमारी चार दिशा उसने दी। अब उसने बोला है एक व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है, एक व्यक्ति क्लॉकवाइज घूमता है, या एक व्यक्ति अपनी दाई तरफ मुड़ता है। देखो तीन चीज बोलेगा, एक व्यक्ति दक्षिणावर्त घूमता है या दक्षिणावर्त मुड़ता है, एक व्यक्ति क्लॉकवाइज घूमता है, और एक व्यक्ति दाई तरफ घूमता है। इसका सबका मतलब एक ही होता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसे करके चल रहा है, वो कहीं से भी इधर से इधर मुड़ जाए, या इधर से इधर मुड़ जाए, या इधर से इधर मुड़ जाए, इधर से इधर मुड़ जाए, ये क्या हमारी क्लॉकवाइज में ना, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में अगर वो मुड़ रहा है तो उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, दक्षिणावर्त। दक्षिणा मतलब दाएं तरफ। अगर व्यक्ति ऐसे करके मैं खड़ा हूं, पूर्व की तरफ मुंह करके मैं खड़ा हूं, इधर ये क्या हो गया, पूर्व, ऐसे में खड़ा हो गया, अगर मेरे को अपनी दाई तरफ मुड़ना है, इधर मुड़ना है, मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त और दाई तरफ, हमेशा आपको ऐसे चलना है। अब आएगा ये वामावर्त, इसमें क्या होता है, अब कोई ऐसे है, अब ये हमारे हो गए ईस्ट वेस्ट, ये हो गया हमारा नॉर्थ, और ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है। तो इसमें क्या बोलेगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, घड़ी की सुई की दिशा ये हो गई, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत ही हो गया। इसको वामावर्त भी बोल देते हैं और बाईं तरफ मुड़ना भी बोल देते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति बाईं तरफ मुड़ रहा है, मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब वो वामावर्त मुड़ रहा है। ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है, सवाल में बहुत कंफ्यूज रहता है कि अगर कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ मुंह करके चल रहा है, पूर्व की तरफ मुंह करके चल रहा है, और वो अपने बाईं तरफ मुड़ जाता है, तो वो किस दिशा में हुआ। तो देखो पूर्व की तरफ मुड़ रहा है,
पूरब की तरफ मुंह करके चल रहा है, पूरब की तरफ मुंह करके चल रहा है, वो बाई तरफ मुड़ गया तो मतलब इधर की तरफ मुड़ गया, तो किधर आ जाएगा वो? नॉर्थ की तरफ। तो आपको इसको कैसे याद रखना, एंटी क्लॉकवाइज वो घूमेगा। अगर पूरब की तरफ मुंह करके चल रहा है और बाएं मुड़ रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रहा है, तो वो किधर रहेगा? तो वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। ठीक है, ये दो चीज भी आपको याद रखनी है। मैं आपको आज बेसिक कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करा रहा हूँ, इसके जो सवाल करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये चीज होगी, ये चीज को आप अच्छे से समझ लेना। इसमें आपको अब एक चीज और रहेगी समझने के लिए, अगर आपने वो चीज और अच्छे से समझ ली, एक कॉन्सेप्ट रहता है छोटा सा, अगर वो कॉन्सेप्ट आपने अगर क्लियर कर लिया तो ये समझो ये दिशा वाले डायरेक्शन वाले सवाल है आपका रीजनिंग, ये चैप्टर क्लियर हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपको इस तरीके से दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सवाल रहते हैं ना, देखो इस तरीके से आपको सवाल दिएगा, ये ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा नॉर्थ और ये हो गया हमारा साउथ। वो क्या बोलेगा, देखो ये कौन कितने का रहता है, 90 अंश का। ठीक है, वो क्या बोलेगा, एक व्यक्ति ए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलता है, यहाँ ये आ गया, जैसे पूर्व दिशा ये है, तो व्यक्ति ए है और ये पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चल रहा है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर। ठीक है, और एक अन्य व्यक्ति है बी, वो उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चल रहा है, यहां मतलब बी हो गया, ये हो गया 4 किलोमीटर। ठीक है, इस तरीके से सवाल दिया जाएगा, एक व्यक्ति ए पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चल रहा है, एक व्यक्ति बी उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर चल रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, इन दोनों के बीच की दूरी कौन सी रहेगी, ये वाली। ठीक है, आपको ये वाली दूरी हमको निकालनी होती है। ठीक है, तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें लगाते हैं हम पाइथागोरस वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस वाला फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से इसको, इसमें एक लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो देखो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर हटा दिया तो यहाँ क्या आया था, अंडर रूट, आधार कितना हमारा 3 का वर्ग प्लस ये कितना हमारा 4 का वर्ग, तो कितना आ जाएगा, देखो 9 प्लस 16 कितना आ जाएगा अंडर रूट में, 25, तो बाहर कितना आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 5। तो इस तरीके के जो सवाल मिलेंगे आपको वो पाइथागोरस प्रमेय से करने होंगे सॉल्व। ठीक है, तो इसमें क्या रखना है आपको, ये जो 90 अंश रहेगा ये आपको पाइथागोरस प्रमेय से करके, ये व्यक्ति ए इधर चला बी इधर चला, तो इन दोनों के बीच की दूरी, ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, तो हम इसको इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ये कर्ण हमारा कितना है, ए भी दिया हुआ है, तो इस तरीके से निकालते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, ओ मान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्शन वाला जो भी चैप्टर है ये हमारा, इसमें केवल आपको जो ये मैंने 3 चीज बताई है, 3 कॉन्सेप्ट बताए आपको, केवल ये 3 कॉन्सेप्ट याद रखने, इसी से आपका ये पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही बताते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, कल से हम एग्जाम्पल देंगे और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसमें छोटी मोटी जो भी चीज आएंगे वो आपको अच्छे से समझाते आएंगे, हमारा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको इस तरह की गारंटी जरूर दूंगा कि आप यहाँ जो पढ़ोगे, आप डायरेक्शन एक बार मेरे से पढ़ोगे तो आपको दोबारा कहीं भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक बार मैं आपको ये जो कॉन्सेप्ट है एक बार आपको क्लियर करा दिए तो आपको वो कॉन्सेप्ट कभी आपके दिमाग से निकलेंगे भी नहीं और कभी आप डायरेक्शन को भूलोगे भी नहीं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके हमें बताएं, शेयर करें, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद जय भारत।